हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फोर्थ क्लास। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वी सॉल्व द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1A इन चैप्टर 1। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने कक्षा 4 के अध्याय फर्स्ट का जो एक्सरसाइज अभ्यास 1A है उसका थर्ड, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है अपने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है, उनको एक बार वापस देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं हम कि हमने किस प्रकार उसको सोल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी छूटे हुए अंक, हमें रिक्त स्थान में जो सेकंड नंबर पर जो पेंसिल से भरा हुआ है वो हमने फिल किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो किस प्रकार ये निकालना था वो आपको अच्छी तरह समझाया था। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर है, उससे हमने सेकंड नंबर है वो प्राप्त किया। तो थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसका हाफ इसमें ऐड करेंगे। तो हमने इसी प्रकार किया था पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए है अपने। तो हमने थर्ड नंबर में से जैसे अरेंज किए हैं, तो थर्ड नंबर में से हमने फर्स्ट नंबर है सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका हाफ हमें 10 प्राप्त हुए। तो 10 का हाफ किया हमने 5 आए, तो इनका फर्स्ट थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर का डिफरेंट है 10, और 10 का हाफ होगा 5। 5 हमने जो है फर्स्ट नंबर में ऐड किया था, तो फर्स्ट नंबर में ऐड करने पर सेकेंड नंबर हमने यहाँ फिल किया अपने जो है पार्ट ए में सेकेंड नंबर। इसी प्रकार पार्ट बी है, तो पार्ट बी में भी हमने थर्ड नंबर में से सेकंड फर्स्ट नंबर है वो सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस आया 10। तो 10 का हाफ किया 5, और 5 को जो है हमने फर्स्ट नंबर में ऐड किया, तो अपने पास सेकंड जो नंबर आया उसको हमने पार्ट बी में फिल किया था। ये जल्दी बता रहे हैं आपको, पिछले वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाए हुए हैं। नेक्स्ट हमने पार्ट सी है, वो भी जो इसी प्रकार किया, थर्ड नंबर में से हमने फर्स्ट नंबर है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने देखा ये रहा थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो डिफरेंस आया 6, और 6 का हमने हाफ किया तो आया 3। इस 3 को हमने फर्स्ट नंबर में ऐड किया, तो अगला जो सेकंड नंबर है वो हमने जो प्राप्त किया मिसिंग नंबर। इसी प्रकार हमने लास्ट है क्वेश्चन, तो इसमें भी थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर है, जैसे बुक्स में पार्ट डी थर्ड में से फर्स्ट है, तो थर्ड में से फर्स्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो डिफरेंस आया 10। 10 का हाफ 5, 5 हमने जो है फर्स्ट नंबर में ऐड किया, तो अगला जो अपने नंबर से हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो भी सोल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखे। तो संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट है वो ड्रॉ करनी होगी। प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको अरेंज करेंगे, फिर इनको वर्ड्स में लिखेंगे। तो हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाई थी। एज यू नो, जो फर्स्ट ग्रुप होता है 3 डिजिट का उसे 1 पीरियड बोलते हैं, सेकंड ग्रुप होता है 2 डिजिट का उसे 1000 बोलते हैं, और थर्ड जो ग्रुप होता है राइट साइड से 2 डिजिट का उसे लेफ्ट कहते हैं, नेक्स्ट जो है ग्रुप। तो इसी प्रकार 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख। इस प्रकार प्लेस वैल्यू चार्ट हमें अरेंज करनी है। अब किस प्रकार इसको रीड किया जाता है, जो 1000 और 10,000 के डिजिट है उनको साथ में रीड किया जाता है, लाख और 10 लाख के डिजिट को साथ में रीड किया जाता है नंबर्स को। इसी तरह 100 का है वो सेपरेट होता है, और 1 और 10 को हम 10+ डिजिट को हम साथ में रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए, पार्ट ए में हमने जो नंबर्स है वो अरेंज किए थे। फर्स्ट है 1 प्लस डिजिट इज 3, सो 3 हमने 1 प्लस में अरेंज किया। सेकंड 10 प्लस डिजिट इज 8, तो 8 हमने 10 प्लस में प्लस वैल्यू चार्ट में अरेंज किया। नेक्स्ट डिजिट है 100 का, तो 100 प्लस डिजिट 100 प्लस में। इसी तरह 1000, 10,000 एंड लाख। तो हमने जिस प्रकार इसमें राइट साइड से अरेंज करना है, राइट साइड से फर्स्ट डिजिट से अरेंज किया हमने, तो फिर हम रीड करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड अरेंज राइट साइड से करना, रीड करेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हम देखेंगे 3 है वो लेग के पीरियड में, तो हम इसे रीड करेंगे 3 लेग। फिर एक अंक था लेग में तो 3 है ओनली, तो 3 लेग। थाउजेंड्स में 81 है, तो दोनों को साथ में रीड करें डिजिट को, तो नंबर्स बनेगा 81। थाउजेंड्स पीरियड में तो क्या है 81,000। हंड्रेड का मैंने बोला सेपरेट है, तो 100
एंड वंस एंड टेंस को साथ में रीड करते 83, तो अब इस प्रकार रीड किया उसी प्रकार राइट करेंगे 381,183, इसी तरह राइट किया 381,183। इसी प्रकार नेक्स्ट जो नंबर है अपना उसको भी हमने अरेंज किया राइट साइड से, इसको हम रीड किया 9,99,999। और इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी को भी हम अरेंज करेंगे, तो देखिए राइट साइड से फर्स्ट डिजिट है वंस का, तो वंस के कॉलम में हम अरेंज करेंगे, सेकंड डिजिट है फिर फाइव, थर्ड डिजिट राइट साइड से, राइट साइड से फोर्थ डिजिट जीरो, फिफ्थ डिजिट जीरो एंड सिक्स डिजिट फाइव। अब ये हमने अरेंज किया, अब इसको राइट करेंगे, पहले तो रीड करें, फाइव है वो लैक के पीरियड में, तो फाइव लैक थाउजेंड में ओनली जीरो, तो जीरो थाउजेंड हम लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर जीरो आ गया तो उसे राइट नहीं करें आप, फिर है 504 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ जीरो है तो फोर ही रीड करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पार्ट सी में जो है लिखते हैं 5,500,504। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है पार्ट डी, इसको भी अरेंज करना अपने को 8,99,11,25 अरेंज करेंगे राइट साइड से, रीड करें 52 लाख एंड 10 लाख प्लस डिजिट है 52 लाख, तो राइट करना 52,11,998। तो इसी प्रकार राइट करें 52,52,11,000,11,998। तो इस प्रकार हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में ये सोल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हमने HW में दिए थे। नेक्स्ट है अपना, आज हम जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, जो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मान एंड यानी, और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का, तो अंकों का अंकित मान और स्थानीय मान तो क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं। पहले हम जो है इसमें जो सेंटेंस है वो रीड करेंगे फिर उनको समझेंगे। तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मीन अंकित मान, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इरेस्पेक्टिव of its place in the number. So face value means अंकित मान of यानी का a digit यानी एक अंक in यानी में a number यानी एक संख्या में is यानी है तथा value यानी मान of the digit itself यानी digit यानी अंक itself यानी समय का. So इसमें किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान संख्या में अपनी स्थान के बावजूद अंक का मान होता है, यानी कि किसी भी अंक का जो अंकित मान है समय व अंक होता है उस संख्या में, तो समय वो अंक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, यानी उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इन द नंबर 4,76,321 द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, 3 इज 3 एंड 1 इज 1। तो हम कह सकते हैं देखिए जैसे संख्या में है, तो उदाहरण के लिए संख्या 4,76,321 में 2 का अंकित मान 2, 3 का 3 और 1 का 1 है, तो अंकित मान उस संख्या में अंक का अंकित मान व समय अंक ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तविक मान होता है। जैसे इसमें पूछा कि जो अभी 7 का है, तो 7 का जो है फेस वैल्यू क्या होगा 7, तो द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6,
यानी 6 का जो फेस वैल्यू है वो 6 होगा, 7 का 7 होगा, 4 का 4 होगा। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन इन द नंबर। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ऑफ यानी का ए डिजिट यानी अंक का डिपेंड यानी निर्भर करता है ऑन इट्स पोजिशन, पोजिशन यानी स्थिति इन द नंबर, यानी नंबर यानी संख्या में। तो जो स्थानीय मान है किसी अंक का, स्थानीय मान संख्या उसकी स्थिति पर जो है स्थिति पर निर्भर करता है, यानी उसकी स्थिति कहाँ पर उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ऑफ यानी का ये डिजिट यानी अंक का, तो अंक का स्थानीय मान किसी अंक का स्थानीय मान इक्वल टू बराबर होता है फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, डिजिट यानी अंक की अंक का जो अंकित मान है मल्टीप्लाई गुणनफल। वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू इज ऑक्यूपाइड किसी अंक का जो स्थानीय मान है उसके और फेस वैल्यू के गुणनफल के बराबर होता है। प्लेस वैल्यू जो होती है स्थानीय मान होती है वो अंकित मान और जो भी जो स्थिति है उसकी जहाँ पर वो व्याप्त है प्लेस यानी जहाँ पर उसके स्थान का मान है उसके गुणनफल के बराबर होता है। जिस फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल द डिजिट 4 अपीयर टू बी इन द नंबर 4,96,341। तो इसमें आपके देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है जो ये हम रीड करते हैं नंबर को, तो किस प्रकार रीड करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख, यानी ये इनके प्लेस है, 4 है वो लैख प्लेस पे है, ये 4 है वो 10 प्लेस पे। तो आप देख रहे हैं 4 टू टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, टू टाइम आ रहा है। तो ये जो 4 है उसकी जो जो वैल्यू है मान है स्थानीय मान है वो 10 प्लेस पे है, तो ये जो है 40 होगा, और ये लैख प्लेस पे तो इसकी 4 लैख होगा। तो ये है प्लेस वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि अंक 4 लाख, अंक 4 है वो 4,96,341 इकतालीस जो है कि संख्या में 2 बार दिखाई देता है। देयरफॉर इसलिए द डिजिट 4 विल हैव टू प्लेस वैल्यू। तो जो दाएं से पहला जो इसलिए अंक 4 में 2 स्थानीयमान होंगे, तो 2 स्थानीयमान होंगे, पहला होगा 10 प्लेस पे, दूसरा लेग प्लेस पे। एंड नेक्स्ट द फर्स्ट 4 फ्रॉम द राइट ऑक्यूपाइड द 10th पोजिशन। तो पहला 4 है वो हम देख सकते हैं 10 यानी दाई के स्थान पर है। नेक्स्ट द हैज द प्लेस वैल्यू 4 10s और 40। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान है वो 4 10s यानी 4 दहाई है या 40 जो है इसका स्थानीय मान होगा। द सेकेंड 4 ऑक्यूपाइड द लेग पोजिशन, और दूसरा जो 4 है उसकी जो स्थिति है वो लेग प्लेस पे है। एंड हैज द प्लेस वैल्यू 4 लैख और 4 लैख या उसी 4 लाख जो है स्थानीय मान होगा। तो हम जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं फॉर एग्जाम्पल एक नंबर्स लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं हम। तो नंबर्स जैसे मैंने लिखे 7,49,283। अब इसमें जैसे प्रत्येक अंक की जो फेस वैल्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4, 9 की फेस वैल्यू 9, 2 की फेस वैल्यू 2, 8 की फेस वैल्यू 8 एंड 3 की फेस वैल्यू 3, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्थानीय मान है वो हम इसके अंक के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे 3 की जो है वो प्लेस वैल्यू हमें राइट करनी है 3 की, तो हमें पता है 3 की फेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू है वो 1s प्लेस पे है। सो 3 इज 1 प्लेस डिजिट, सो मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 1 जै 3। सो द प्लेस वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। तो 3 का स्थानीय मान जो है 3 होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिजिट है 8। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है, तो 8 इज 10 प्लेस डिजिट, 1s 10 प्लेस डिजिट, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 80। सो द प्लेस वैल्यू द
प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 मल्टीप्लाई 10, बिकॉज 8 इज 10 प्लेस डिजिट, सो मल्टीप्लाई बाय 10 80, तो 8 का स्थानीय मान इसमें 80 होगा। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू हम निकालना चाहें कि 2 इज 100 प्लेस डिजिट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 200, सो प्लेस द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 200, तो 2 का स्थानीय मान 200 होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट डिजिट है 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज 9 इज 1000 प्लस डिजिट, 1 10 100 एंड 1000 प्लस डिजिट, सो 9000, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10000, सो 40000, 40000, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 मल्टीप्लाई बाय लाख, सो 7 लाख। तो इस प्रकार मैंने ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि किस प्रकार हम जो है किस संख्या में अंकों का जो है स्थानीय मान निकालते हैं। नेक्स्ट है अपने पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है विस्तारित रूप, एंड यानी और शॉर्ट फॉर्म मीन्स होता है संक्षिप्त रूप। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में है तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है व्हेन ए नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, इट इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हेन यानी जब ए नंबर यानी एक संख्या इज यानी है रिटन यानी लिखी गई एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के योग के रूप में ऑफ इट्स डिजिट्स यानी उसके अंकों, इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये एक विस्तारित रूप है। तो एक संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिखा जाता है तो ये विस्तारित रूप में होता है। तो अंकों के जो भी स्थानीय मानों के योग के योगफल के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, यानी विस्तारित रूप। जैसे एग्जांपल जो सेकंड है अपना, उसमें देखते हैं हम एग्जांपल सेकंड में आप देखिए नंबर्स दे रखे हैं। इसमें एग्जांपल सेकंड में आपको 2 नंबर राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्वेश्चन आ गया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कहा गया कि इनके अंकों के स्थानीय मानों के योगफल के रूप में लिखा जाता है, तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, फिर उनके योगफल के रूप में हम लिखेंगे। तो 2 नंबर से फर्स्ट नंबर है, मैं नोटबुक्स में राइट करूँ 38,275, एंड सेकंड जो नंबर से अपने 46,892। तो ये 2 नंबर से मैंने नोटबुक्स में राइट किए हैं। ये एग्जाम्पल जो है अपने एग्जाम्पल सेकंड का है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, तो फर्स्ट पहले हमें अंकों के स्थानीय मान लिखने होंगे। तो अंकों के स्थानीय मान लिखने के लिए हम 2 मेथड है इसमें। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो पहले हम लिखेंगे 3, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे लेफ्ट साइड से, पहला अंक लिखे। पहला अंक लिखने के बाद हम देखेंगे कि उसके आगे कितने अंक है। सो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 40 हम राइट करेंगे। तो ये जो है 3 का जो है प्लेस वैल्यू हो गई। तो प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू हमें पता होना। तो 3 इज 10,000 प्लेस डिजिट, तो 5 1 10 100 1000 10,000, सो 3 इज 10,000 प्लस डिजिट, सो मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो 30,000। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट की लिख दी, फिर नेक्स्ट डिजिट है 8, तो 8 राइट करेंगे। तो 8 के बाद जो डिजिट है उसको काउंट, 1 2 3 डिजिट है, तो 30 राइट करेंगे हम, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8,000, बिकॉज 8 इज 1000 प्लस डिजिट। नेक्स्ट है 2, सो 2 राइट करेंगे। 2 के बाद 1 2 डिजिट है, तो 20 राइट करें, फिर 8 का चिन्ह, फिर नेक्स्ट डिजिट है 7 राइट करेंगे। 7 के आफ्टर 1 डिजिट है, तो 10, एंड लास्ट डिजिट है लेफ्ट साइड से 5, तो 5 राइट करेंगे। आफ्टर 5 कोई डिजिट नहीं है, तो कोई 0 नहीं लगेगा। नेक्स्ट है नंबर से अपना
पार्ट बी का इसमें, तो पार्ट ए हो गया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है, तो एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें तो राइट करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू 4 की होगी 40, प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 0 राइट करें, 1 2 3 4, डायरेक्ट जो मेथड है सिंपल मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट डिजिट 6 राइट करें, 6 के आफ्टर 1 2 3 डिजिट है 3 0 राइट कर दें, तो 6800 के हैं, तो 800 नाइन टेंथ के हैं, तो 90 एंड प्लस 2, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि पहला अंक लिखा फर्स्ट, उसके बाद 4 अंक है तो 4 0, फिर योग का चिन्ह एड का चिन्ह, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखा 6, उसके आगे 1 2 3 डिजिट है 3 0 राइट करें, फिर एड का चिन्ह, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखा उसके आगे 2 डिजिट है 2 0 राइट करें, फिर एड का चिन्ह, नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे, फिर 1 0 एंड प्लस 2, तो इस प्रकार हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके होमवर्क में आज का जो है वर्क है वो यही है, एग्जाम्पल जो सेकंड है वो आपको एनडब्ल्यू में करना है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे।